दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा आप घर बैठे ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको घर बैठे ट्रेन टिकट बुक करने के लिए एक ऑफिशियल ऐप्स है जो कि आपको डाउनलोड करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो आपको वहां पे टाइप करना है IRCTC। तो यहां पे चलिए दोस्तों हम यहां पे टाइप कर लेते हैं। तो दोस्तों टाइप करने के बाद देखिए इस तरीका का कुछ इंटरफेस आपको सामने खुलेगा। तो दोस्तों ये है ऑफिशियल एप्लीकेशन IRCTC का, रेलवे का। तो यहाँ पे ये जो है एप्लीकेशन आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 10 मिलियन से प्लस डाउनलोड है और अच्छा खासा यहाँ पे 4.3 का रेटिंग भी है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद चलिए ओपन करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे में आपको लिखा है मोर एप्स फॉर IRCTC। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ IRCTC टूरिज्म। अगर दोस्तों आप कहीं घूमने जाते हैं, जैसे कि आप कहीं गोवा जाते हैं घूमने के लिए या बम्बई जाते हैं, जो स्पेशल ट्रेन चलती है, तो आप यहां से बुक कर सकते हैं। उसके बाद एयर आप यहां से फ़्लाइट का टिकट भी बुक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, देखिए यहां पे लिखा हुआ एयर टिकट, तो आप यहां से फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद बुक मेल, तो यहाँ पर आप जो है ट्रेन में अगर टिकट बुक करते हैं सफ़र, यहाँ पर खाना पीना सब चीज़ आप मंगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा जो कि हमको जो है नॉर्मली एक टिकट बुक करना है, तो चलिए कैसे करेंगे। तो दोस्तों नॉर्मली टिकट बुक करने के लिए तो यहाँ पे ट्रेन टिकट पे आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन का लोगो है तो उसी पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो दोस्तों अगर आपने पहले से यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए हम अभी नहीं बनाए हैं, और तो चलिए किस तरीके से बनाते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे जो एक ऑप्शन मिलेगा तो उस ऑप्शन पे आप रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हैं और यूज़र नेम और पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बना के दिखाते हैं, तब इसमें लॉगिन करके आपको टिकट कैसे बनाया जाता है वो भी करके हम दिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए रजिस्टर पे हम क्लिक कर देते हैं। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए पूछा जा रहा है यूज़र नेम आप अपना डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ आप अपना नाम या मोबाइल नंबर कोई भी चीज़ आप यहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहां पे पासवर्ड है, आप पासवर्ड भी यहां पे दे सकते हैं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड आप यहां पे दे सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट नाम, उसके बाद मिडिल नाम, उसके बाद लास्ट नाम, ठीक है दोस्तों। जैसे हो गया सोनू कुमार प्रजापति, तो फर्स्ट नाम में सोनू आ जाएगा, मिडिल नाम में कुमार आ जाएगा, उसके बाद लास्ट नाम में प्रजापति आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद या मेल या फीमेल आप यहां पे दोनों चूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलेगा मित्रों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का, ये दोनों चीज़ भी देना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों हम आपको भर के दिखाते हैं। तो दोस्तों हम सभी चीज़ यहाँ पे भर लिए हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप 18 साल के कम है तो इसमें अकाउंट नहीं बन पाएगा, तो आप मैक्सिमम 18 साल होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर हम आपको बता दें इसमें पासवर्ड अगर आप बनाते हैं तो एक कम से कम स्मॉल अक्षर, एक कम से कम कैपिटल अक्षर और एक अंक होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें पासवर्ड सक्सेसफुल आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ भरने के बाद आप जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में है नेशनैलिटी, तो यहाँ पे आप अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इंडिया में हैं तो इंडिया में ही करेंगे, अगर आप अदर कंट्री का है तो कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो चलिए हम यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन भी दे देते हैं। उसके बाद चलिए हम यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन दे देते हैं। दोस्तों देने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे करने के बाद उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन जो है आप पे क्लिक करना होगा, उसके बाद सिंगल पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ये सब करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलिए हम दोस्तों एड्रेस डाल के आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों एड्रेस देने के बाद अगर आपके अगल बगल में जो है नामी सड़क है तो आप यहाँ पे उसका भी लोकेशन दे सकते हैं। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों ये देने के बाद उसके बाद एरिया यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए हम यहाँ पे, तो दोस्तों हम यहाँ पे सारा चीज़ भर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट पूछा जाएगा, पिन कोड पूछा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस पूछा जाएगा, आप कौन सा पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे है जो है फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, तो आप दे के उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे कंग्रेचुलेशन आपका जो है ये सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पे चलिए प्लीज़ लॉग इन टू वेरीफाई योर करना होगा लॉगिन। तो जो दोस्तों ओके पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के। तो चलिए हम यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके मोबाइल में जो है एक OTP आएगा, जो कि वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर नहीं आया है तो रिसेंट OTP के पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आ गया है। तो चलिए हम इसको भर लेते हैं। तो दोस्तों वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे OTP देने के बाद। तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे और जो है हमको मोबाइल नंबर वेरीफाई, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी करना होगा। तो चलिए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से एक OTP आएगा, तो यहाँ पे हम आपको देना पड़ेगा OTP मोबाइल नंबर इतना पे सेंड हो चुका है। तो चलिए कुछ देर वेट कर लेते हैं। दोस्तों देखिए मेरा जो है OTP आ चुका है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं OTP, उसके बाद यहाँ पे जो है वेरीफाई यूजर पे क्लिक कर देते हैं। तो ये करने के बाद देखिए सक्सेसफुल हो चुका है मेरा। उसके बाद यहाँ पे एक ये बचा हुआ है ईमेल, तो यहाँ पे भी हम इसको वेरीफाई कर देते हैं और रिसेंट OTP पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ये जो है मेरा मेल पे जाएगा OTP, तो यहाँ पे OTP हम दे देंगे। तो देखिए दोस्तों मेरा जो है दोनों चीज़ सक्सेसफुल हो गया है, मोबाइल नंबर वेरीफाई और उसके बाद ईमेल वेरीफाई। तो यहाँ पे मेरा जो है दोनों सक्सेस हो गया। अब जो है हम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के अब अपना ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड डाल लेते हैं। तो हम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे, तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे एक आपको OTP आएगा, अगर लेट से आता है OTP तो यहाँ पे रिसेंट OTP पे आप क्लिक कर सकते हैं ताकि जल्दी आ जाएगा आपका OTP। तो दोस्तों OTP आने तक हम वेट कर सकते हैं। दोस्तों OTP आ चुका है तो वेरीफाई हम कर लेते हैं लॉगिन करने के साथ। तो यहाँ पे आप जो है इंटर पिन और री इंटर पिन भी 4 डिजिट का डाल सकते हैं ताकि आपको कोई लफड़ा ना रहेगा। और ये यूजर नेम डालना है, कौन सा यूजर नेम आप बना है बार बार आप उसको डालना ना पड़ सके। तो दोस्तों चलिए हम इसको बना लेते हैं। तो दोस्तों ये देने के बाद आपको जो है सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, आप यहाँ से बना सकते हो। वो जो हमने बनाया 4 अंक का पिन, आप कभी भी लॉगिन करेंगे तो आपको ये पिन डाल के लॉगिन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम आसानी तरीके से बुक ट्रेन टिकट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप IRCTC हम बोले थे फ्लाइट का भी टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम ट्रेन का टिकट बुक करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गो इट पे क्लिक करेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉर्म आपको कहाँ जाना है और कहाँ उतरना है ये आपको डालना होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये देखिए हम डाल दिए हैं
जहाँ से हमको जाना है और जहाँ पे हमको उतरना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम डालेंगे तो ये देने के बाद दोस्तों देखिए आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट डेट करेंगे तो फॉर्म आपको कहाँ से जाना है उसके बाद टू में आप लिखेंगे कहाँ तक आपको उतरना है। तो दोस्तों उतरना है तो उसके बाद टू डे में आपको कौन सा डेट सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने नीचे खुलेगा तो यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं, उसके बाद सर्च ट्रेन कर सकते हैं। ये करने के बाद आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ट्रेन इस लाइन में चलती होगी आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इसमें शो होने के बाद आप आसानी से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और लाइक करें, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो